असलम चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू और उसका प्रॉब्लम नंबर सेवन सॉल्व करते हैं इन द फॉलोइंग फिगर द फोर पार्टिकल्स फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ एज लेंथ इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डू द पार्टिकल्स प्रोड्यूस एट द स्क्स सेंटर तो करना ये है कि फाइंड जो हमने करना है वो ये है कि इस स्क्वायर के सेंटर में एक पॉइंट पी होगा इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दीज फोर चार्जेस तो अगर हम इसको देख लें चार्ज नंबर वन यानी क्यू वन से जो डिस्टेंस बनता है इस पॉइंट तक वो ये वाला डिस्टेंस है और ये भी जहन में रखें कि जो हमारा वेक्टर है इसका जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्यू क्यू वन की वजह से क्योंकि क्यू वन जो हमें गिवन है आ, वो है पॉजिटिव चार्ज आ, जब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो देट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज और इसी तरह क्यू फोर जो है आ, वो नेगेटिव चार्ज है Uh, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टूवर्ड्स द चार्ज तो अब इस पॉइंट से जो uh, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पॉइंट के ऊपर फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक uh, फील्ड की डायरेक्शन होगी चार्ज की तरफ क्योंकि क्यू uh, फोर जो है वो नेगेटिव चार्ज है uh, इसी तरह सेम डायग्राम क्यू टू और Q3 की तरफ भी होगी क्योंकि Q3 जो है वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक uh, फील्ड की डायरेक्शन uh, उसी डायरेक्शन में होगी और इसी तरह Q3 जो है वो पॉजिटिव है uh, तो दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज तो जो पॉइंट हम फाइंड करें उस पॉइंट की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी एक चीज़ तो ये है दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है ए इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर गिवन है और जो पॉइंट हमारा है पॉइंट uh, पी वो सेंटर में है यहाँ पर है पॉइंट पी सो सबसे पहले हमने इन uh, चार्जेस तक जो स्पीकर uh, डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है पी uh, से क्यू वन तक पी से क्यू टू तक और सब चार्जेस तक जो डिस्टेंस uh, होगा वो सेम डिस्टेंस होगा uh, तो ये डिस्टेंस हम फाइंड uh, करेंगे सबसे पहले uh, हमारा पहला टारगेट यही है कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड करें यानी पॉइंट पी से किसी भी चार्ज तक तो सबका डिस्टेंस सेम होगा तो हम एक का फाइंड कर लेते हैं तो इसकी आसानी हम यू कर लेते हैं कि लेट से आ, ये पूरा जो एक ट्राइंगल अभी जो हमने ड्रा किया हुआ है अगर इसको आप फोकस करें तो यहाँ पर ये नाइन्टी डिग्री एंगल बनता है तो नाइन्टी डिग्री एंगल के सामने आ, हमारे पास हाइपोटिन्यूस है तो ये वाली साइड हमारी हाई पोटिन्यूस है और बाकी दो एंगल जो है वो सेम होंगे क्यों सेम होंगे क्योंकि सेंटर तक डिस्टेंस जो है वो Q1 से और नीचे वाले Q4 पार्टिकल से सेम होगा तो जब ये सेम होगा तो इनके अपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे यानी ये वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल ये दोनों एंगल सेम होंगे आ, सेम जब होंगे तो कितने होंगे क्योंकि ये सेंटर एंगल 90 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री को हाफ कर दे तो इट मींस ये एंगल 45 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा अब जब एंगल 45 डिग्री का है तो अब हम आ, ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं लेट से हम फोकस करते हैं आ, इस एंगल को अगर हम फोकस करें इस वाले एंगल को तो इसके मुताबिक हमारे पास हाइपोटेन्यूज़ जो है वो नॉन है हाइपोटेन्यूज़ ए है ए की वैल्यू हमें गिवन है और जब इस एंगल को मैंने लिया तो इसके साथ वाली जो साइड है ये बेस होगी और ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन कॉस 45 फाइव कॉस थीटा जो कि हमारे पास इस केस में एंगल uh, 45 डिग्री है तो कॉस 45 डिग्री विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटिन्यूस तो बेस है जो कि अननोन है और इस बेस को मैं आर का नाम दे देता हूं कि ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा आर तो आर ओवर हाइपोटिन्यूस हमारे पास क्या है ए तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर इज इक्वल टू ए इन टू कॉस फोर्टी फाइव डिग्री और फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव वन ओवर स्क्यूट टू की इक्वल है तो ए इन ओवर स्क्यू टू तो ये कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू है तो ए हमें गिवन है कि एज ए इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर और इसको जब हम ऐसे यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस विल भी इक्वल टू हंड्रेड से डिवाइड करेंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर हो जाएगा तो अब एक ही जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आर विल इक्वल टू जीरो अंडर द रूट टू तो अब हमें आर मालूम हो गया है तो अब ये वाला आर ये वाला डिस्टेंस ये वाला आर और ये आर ये सब सेम होंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओवर अंडर ये आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है जब हमारे पास इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आ गया है तो हम हर चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पी के ऊपर वो हम फाइंड कर सकते हैं तो आइए हम सबसे पहले इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं सो so, हमने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो वाला फार्मूला यूज करके यानी ई इज इक्वल टू के क्यू बाय e आर तो अब हमारे पास ई वन है चार्ज नंबर वन है तो उसकी वजह से फील्ड होगी तो नाइन इन टू टेन पावर नाइन ये के वैल्यू इन टू क्यू वन हम भी गिवन है और वो क्या है टेन सेकंड सेकेंड कूलम तो टेन कूलम नैनो टेन पावर माइनस नाइन की इक्वल है तो टेन इंटू टेन पावर माइनस नाइन ओवर आर स्क्वायर जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओवर अंडर द रूट टू और स्क्वायर भी लगा दिया है नाउ दिस इज इक्वल टू अगर इसको देख लें ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नाइन और टेन मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर आ जाएगा नाइनटी ओवर जीरो पॉइंट जीरो फाइव स्क्वायर और नीचे जो अंडर रूट टू था स्क्वायर के वजह से अंडर रूट टू उसका कैंसिल हो जाएगा और वो वाला टू ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हमारे पास आ जाता है ई वन इज इक्वल टू वन एटी ओवर जीरो पॉइंट जीरो फाइव और स्क्वायर भी है तो वन एटी डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो फाइव जब हम करेंगे उसका स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है सेवन टू जीरो 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 हमारे पास ई वन की वैल्यू आ गई तो E1 वन और उसके साथ यूनिट है न्यूटन पर कोलम तो E1 वन इज इक्वल टू सेवन टू जीरो 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 न्यूटन पर कोलम इसी तरह अगर आप फोकस करें तो E1 जब आ, E1 की वैल्यू ये है तो E4 की वैल्यू भी सेम होगी क्योंकि जो Q4 है वो भी टेन नैनो ने, नैनोकूलम है तो E4 फोर विल ऑल्सो बी इक्वल टू सेवन टू जीरो 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 नैनोकूलम हमारे पास ई वन और ई फोर की वैल्यू आ गई क्योंकि ये दोनों सेम है क्यू वन पॉजिटिव टेन नैनोकूलम है और जो क्यू फोर है वो माइनस टेन कूलम है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम होगी और पॉजिटिव वैल्यू हम रखे, रखेंगे तो इस वजह से दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है इसी तरह सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे e2 और e3 थ्री फाइन करने के लिए e यानी q2 जो है वो 20 नैनो कूलम है और दूसरा भी यानी एक पॉजिटिव 20 नैनो कूलम है और एक नेगेटिव 20 नैनो कूलम है तो अब हम फाइन करते हैं e2 टू दैट इज इक्वल टू के क्यू टू बाय आर तो के है नाइन इंटू टेन पावर नाइन और क्यू टू है ट्वेंटी इंटू टेन पावर माइनस नाइन यानी ट्वेंटी नैनो कूलम ओवर आर स्क्वा जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओवर स्क्र रूट टू और उसका स्क्वायर अब हम कटिंग कर लेते हैं और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे नाइन को ट्वेंटी के साथ तो ये आ जाता है जीरो वन एटी ओवर जीरो पॉइंट जीरो फाइव और जो नीचे अंडर रूट टू था स्क्वायर की वजह से अंडर रूट खत्म हो गया और टू ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया नाउ दिस इज इक्वल टू ई टू इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी ओवर जीरो पॉइंट जीरो फाइव होल स्क्वायर अब हम जब इसको डिवाइड कर देंगे यानी थ्री सिक्सटी को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाता है वन फोर फोर जीरो 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 इट मींस ई टू इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर ट्रिपल जीरो नैनोकूलम और इसी तरह ई थ्री की वैल्यू भी आ जाएगी और वो भी सेम वन डबल फोर ट्रिपल जीरो नैनो कूलम अब हमारे पास ये चारों वैल्यूज आ चुके हैं अब हम आते हैं इस डायग्राम के ऊपर अगेन यहाँ पर इसको फोकस करें अब यहाँ पर फोकस करें लेट से ये जो क्यू वन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमारे पास ये वाला वेक्टर है इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं तो यहाँ से हम रिजॉल्व करेंगे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन यू होगी तो इट मींस यहाँ पर ई वन था तो ई वन के दो कंपोनेंट्स बन गए हैं एक ई वन का ये वाला कंपोनेंट जिसको हम इसका एक्स कंपोनेंट कहते ई वन एक्स कहेंगे और एक कंपोनेंट इसका ये वाला बनता है और इसको हम कहते हैं ई वन वाई अब हम आ, ये फाइंड करेंगे ई वन एक्स और ई वन वाई और सेम इसी टाइम पे ये जो आ, नीचे वाला है ई फोर यू फोर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन का वेक्टर है और इसको भी जब रिजॉल्व करेंगे तो एक वेक्टर इसका आ, यू बनता है इस डायरेक्शन में और इसका x कंपोनेंट बनता है इस डायरेक्शन में यहां पर अब इस चीज को फोकस करें अब देखें क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं Q1 और Q4 तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है जो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके तो इस वजह से इनके जो x कंपोनेंट है वो भी सेम होंगे तो यहां पर जो E4 x कंपोनेंट बनता है ग्रीन वाला और यहाँ पर e4 y कंपोनेंट इसका बनता है e4 का अब यहां पर देखें ये जो हमारे पास x कंपोनेंट्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है e4 अगर आप देखें इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट साइड पे और जो ई वन एक्स है उसकी डायरेक्शन है राइट right साइड पे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सेम सिचुएशन यहाँ पर आ, Q2 की वजह से भी होगी इनकी भी आप यहाँ पर एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी और दूसरी की डायरेक्शन U होगी तो ये X कंपोनेंट्स इनकी भी कैंसल आउट होंगे तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो X कंपोनेंट्स की वजह से नहीं होगी बल्कि Y कंपोनेंट्स की वजह से होगी अब आपको ये समझ आ गया है कि यहाँ पर दो फील्ड जो है एक आ, दो कंपोनेंट्स यानी ई वन वाई और फोर e वाई इन दोनों की हमें जरूरत है और इन दोनों की डायरेक्शन की तरह डाउनवर्ड है यानी सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों यानी वन e y और e फोर ये दोनों एड होंगे सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से जो होगी वो E2 टू यहां पर होगा और जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स बनेंगे एक ये वाला कंपोनेंट अपर साइड पे यानी e2 y और यहां पर बनेगा उसका e2 टू x और इस तरह अगर नीचे देखें तो q4 जो है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में इसका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा तो x कंपोनेंट्स का मैंने समझा दिया था ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो यहां पर e3 y यानी y कंपोनेंट का आ, y कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 3 का ये e3 होगा यहां पर अब इसका मतलब ये दोनों भी एक डायरेक्शन में है और वो किधर है ये दोनों अपवर्ड है और ये दोनों फील्ड डाउनवर्ड है सो so, अब यहां पर आते हैं इट मीन्स के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट देट विल बी इक्वल टू ई वन वाय और ई फोर वाई जो कि डाउनवर्ड है और इन दोनों को डाउनवर्ड है इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं और प्लस ई टू वाई ये अपवर्ड है और इस तरह से ई थ्री वाई ये भी अपवर्ड है अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे अब देखें e1 y जब हम फाइंड करेंगे तो इसको क्या लिखते हैं e1 वन कॉस फोर्टी तो e1 वन की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं वो क्या है सेवन टू जीरो 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 इन टू कॉस इसकी वैल्यू है वन ओवर अंडर द रूट टू तो ऊपर हमारे पास आएगा सेवन टू ट्रिपल जीरो और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट से तो ई वन की वैल्यू आ जाएगी फाइव जीरो नाइन वन वन पॉइंट सिक्स नाइन और यही सेम वैल्यू होगी ई फोर वाई की भी इट मींस कि दिस इज आल्सो इक्वल टू ई फोर वाई क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम चार्जेज है इसी तरह से हम फाइंड करेंगे e2 टू तो इसका होगा e2 टू कॉस फोर्टी तो e2 हमारे पास है वन फोर फोर ट्रिपल जीरो और कॉस 45 है वन ओवर स्क्वायर रूट टू तो इस तरह से वन डबल फोर ट्रिपल जीरो को डिवाइड कर देंगे अंडर रूट टू से तो ये हमारे पास आ जाता है वन जीरो वन ए टू थ्री पॉइंट थ्री सेवन सिक्स फाइव और यही सेम वैल्यू किसकी होगी ई थ्री वाई की भी यही वैल्यू होगी अब ये सारी वैल्यूज हम डाल लेते हैं तो यहां पर देखें ये वाली जो वैल्यू है यहां पर ये यह वैल्यू इधर भी डाल देंगे और यही वैल्यू यहां पर भी डाल देंगे सिमिलरली ये जो वैल्यू आई है हम यहां पर भी डाल देंगे और यहां पर भी हम डाल देंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू विद नेगेटिव साइन फाइव जीरो नाइन डबल वन सिक्स नाइन प्लस फाइव जीरो नाइन डबल वन सिक्स नाइन प्लस वो दोनों वैल्यूज़ जो हम पुट कर देंगे तो वन जीरो वन एट टू थ्री पॉइंट थ्री सेवन सिक्स फाइव प्लस वन जीरो वन एट टू थ्री पॉइंट थ्री सेवन सिक्स फाइव और जब हम इनको प्लस और माइनस कर देंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा वन जीरो वन एट टू थ्री पॉइंट 3, 7, 6, ये हमारे पास ये नहीं करेंगे और माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस लेके e, ले आएंगे तो ये आ जाएगा वन पॉइंट जीरो पावर ये देखिए हमने कितने डिजिट उसको ले गए हैं पॉइंट को फाइव uh, तो वन पॉइंट जीरो पावर फाइव न्यूटन पर कूलम यूनिट वेक्टर नोटेशन की बात हो रही है तो यूनिट वेक्टर नोटेशन में यहां पर इसके साथ देख देता हूं कि इसके डायरेक्शन किधर होगी जे डायरेक्शन में होगी जे कौन सी डायरेक्शन वाई के डायरेक्शन यही चीज अगर आप इसको फोकस करें देखें क्योंकि ये वाले जो है यहां पर ये ट्वेंटी uh, नैनोकूलम है और ये भी ट्वेंटी नैनोकूलम है आ, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्योंकि Q1 जो है वो 10 नैनो कूलम है और ये भी 10 नैनो कूलम है तो ये दोनों फील्ड कम है और ऊपर वाली ज़्यादा है तो यानी Y की डायरेक्शन में है X एकस एक्सेस और Y एक्सेस के लिहाज से एक्स वाई प्लेन में देखें तो ये वाली जो अपर अपवर्ड यानी वाई डायरेक्शन में है अपवर्ड ये वाली फील्ड ज़्यादा है और जो डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है तो जिसकी वजह से आ, जे का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है होगी दैट विल बी अपवर्ड और नेगेटिव uh, uh, का मतलब डाउनवर्ड uh, लेकिन uh, क्योंकि हमारे पास uh, इस इक्वेशन के अंदर भी देख लें uh, कि जो ई फोर है, uh, ये, ये है ये क्या है अपवर्ड है और ये वाले क्या है कम है ये डाउनवर्ड है तो इस वजह से इससे जब ये सारा माइनस हो गया है हमारे पास ये आंसर आ गया है और ये इसका मतलब ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फाइनल uh, uh, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन की तरह अपवर्ड है, है यानी ऊपर की तरफ है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो इस वजह से इसके साथ पॉजिटिव जे लेख दिया है